ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यही कारण है कि ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा में गलत विधेयक पेश किया और कोर्ट में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी आरक्षण पर स्टे हुआ है। स्टे के समय भी उस समय सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। देखिए, ओबीसी आरक्षण में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसमें कितनी गलत जानकारी दी गई है इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आपने न्यायालय में ही गलत विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी के आरक्षण पर न्यायालय में स्टे हुआ और स्टे होने के बाद स्टे के समय भी इनके जो एडवोकेट जनरल थे उस समय सरकार के वो उपस्थित नहीं हुए और इसके साथ साथ सवा साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले।